सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे iOS 14.7.1 फुल रिव्यू ऑन iPhone 7, 7 प्लस एंड ऑल्सो अनदर मॉडल्स। सो गाइस, एप्पल ने ऑलरेडी iOS 14.7 को पब्लिक करने के बाद ऑलरेडी 1 वीक के बाद iOS 14.7.1 को रिलीज कर दिया है। सो गाइस, बहुत सारे आईफोन यूजर्स को iOS 14.7 को अपडेट या तो रिलीज होने के बाद मन में एक ही क्वेश्चन होता है कि अपने आईफोन में कौन कौन से न्यू फीचर्स है, कौन से बग फिक्स हुए, बैटरी लाइफ कैसी है एंड ऑल्सो iOS 14.7.1 को अपने आईफोन में डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। सो गाइस, आप वीडियो में देख सकते हो कि मेरे आईफोन 7 प्लस में मैंने ऑलरेडी iOS 14.7.1 को डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं iOS 14.7.1 के रिव्यू करने वाला हूँ। सो गाइस, आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं iOS 14.7.1 के साइज़ के बारे में। जो साइज़ है वो अपने आईफोन के मॉडल के हिसाब से होता है। सो गाइस, मेरे iPhone 7 प्लस की बात करें तो तकरीबन अराउंड 100 MB का अपडेट आया था। इस अपडेट का साइज अपने आईफोन के पर डिपेंड होता है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो iOS 14.7.1 का बिल्ड नंबर है 18G82 ऑन आईफोन 7, 7 प्लस। बहुत सारे आईफोन यूजर्स को मन में एक क्वेश्चन है कि iOS 14.7.1 में कौन कौन से न्यू फीचर्स है। सो गाइस, तो बात करते हैं कि iOS 14.7.1 में कोई भी एक न्यू फीचर्स अवेलेबल नहीं है। ये अपडेट स्पेशली बग फिक्सिस एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए दिया गया है। तो गाइस, अब बात करते हैं iOS 14.7.1 के बग फिक्सिस के बारे में। फिक्स किया है कि बहुत सारे आईफोन यूजर्स को टच आईडी से अपना आईफोन अनलॉक नहीं हो रहा था। तो एप्पल ने ऑलरेडी बहुत दिन पहले अनलॉक विद द एप्पल वॉच किया था, बट उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो इस अपडेट में एप्पल ने फिक्स कर दिया कि आप इजीली अनलॉक विद एप्पल वॉच से आप अपना आईफोन को अनलॉक कर सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं iOS 14.7.1 के सेकंड बग फिक्स होने के बारे में। सो गाइस, सेकंड बग में ये फिक्स हुआ है कि बहुत सारे आईफोन यूजर्स को वाईफाई कनेक्टिविटी इश्यू एंड ऑल्सो ब्लूटूथ नॉट वर्किंग इश्यू शो हो रहा था। सो गाइस, एप्पल ने iOS 14.7.1 में ये इश्यू को भी फिक्स कर दिया अपने आईफोन में। सो गाइस, बहुत सारे आईफोन यूजर्स को iOS 14.7 में ये सब इश्यू शो हो रहा था। सो गाइस, एप्पल ने iOS 14.7.1 को अर्जेंटली रिलीज करके ये इश्यू को फिक्स कर दिया है। गाइस, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि iOS 14.7.1 को अपडेट करने के बाद बैटरी परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो बैटरी ड्रेन इश्यू शो हो रहा है या नहीं। सो गाइस, बहुत सारे लोगों को iOS 14.6 में बैटरी ड्रेन का इश्यू शो हो रहा था। ये एप्पल ने ऑलरेडी iOS 14.7 में भी फिक्स कर दिया है एंड ऑल्सो iOS 14.7.1 में भी फिक्स कर दिया है। सो गाइस, जो बैटरी परफॉर्मेंस iOS 14.7.1 में है वो बेटर देन iOS 14.6 एंड ऑल्सो iOS 14.7। सो गाइस, अब बात करते हैं iOS 14.7.1 के परफॉर्मेंस के बारे में। सो गाइस, परफॉर्मेंस की बात करें तो iOS 14.7 में बहुत सारे आईफोन यूजर्स को गोस्ट टच का इश्यू शो हो रहा था। सो गाइस, वो एप्पल ने iOS 14.7.1 में फिक्स कर दिया एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस की बात करें तो एज कम्पेयर टू बेटर देन iOS 14.6 एंड ऑल्सो iOS 14.7। करते हैं लास्ट क्वेश्चंस के बारे में। अपने आईफोन में iOS 14.7.1 को अपडेट करना चाहिए या नहीं। मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लीजिए और फिक्स कर दीजिए अपने इश्यू को। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।